अ वेरी वॉर वेलकम टू एवरी वन ऑन आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म शिक्षालय। तो हमने भाई कोरोना वायरस के बारे में सब कुछ पढ़ लिया सब कुछ, लेकिन वो चीज़ पढ़ी ही नहीं जिसके वजह से हम बच सकते हैं, प्रिकॉशंस। ये भैया सबसे इंपॉर्टेंट भैया हैं, इनको पढ़ लिया मतलब कि सब कुछ मत पढ़ो, बस इनको देख लो अच्छे से। पहला क्या है, रेगुलर हैंड वॉशिंग। देखिए यहाँ पे आपको लेट होना है, बंटी तेरा साबुन स्लो है क्या, वैसा वाला करना है आपको। अपने आप को बंटी बना लो, भले मोटे ना हो कोई बात नहीं, खाते पीते घर के नहीं हो, चलो ठीक है पतले ही हो मेरे तरह, लेकिन क्या करो रेगुलर हैंड वॉशिंग करो, ठीक है। बाहर से घूम गा के ओ भाई ओ भाई ओ भाई, इंडिया में करते ना ओ भाई ओ भाई, गले मिलो, भाईचारा ज़्यादा चलता है, तो क्या करो भाईचारा निभाओ, लेकिन घर पर आके रेगुलर हैंड वॉशिंग कर लो। और कुछ देर तो भाईचारा निभाओ मत भाई, वही कहूँगा मैं। अवॉइड एनीवन कफिंग एंड स्नीजिंग। अब भाई इंडिया क्या है, इंडिया बड़ी हॉस्पिटैलिटी होती है, कोई दूसरा खास रहा है तुरंत गए दौड़ते ओ ओ, ओ भैया रुमाल ले लीजिए, और खास के लड़की को चक्कर में होता है भैया लड़की कोई खासी ओ ओ, ओ रुमाल ले लीजिए, तो ऐसा नहीं करना है। अभी कुछ दिन इन सब चीज़ों से दूर रहो, और जो भी खास रहा है या स्नीज कर रहा है उससे कम से कम एक मीटर की दूरी बना के रखो, चले भले वो लड़की क्यों ना हो, क्योंकि उससे भी कोरोना होता है, जो कोरोना होता है वो लड़की और लड़के में फ़र्क नहीं देखता, ठीक है, इक्वलिटी मेंटेन करता है। द थर्ड वन इज़ अवॉइड एनिमल्स। देख कुछ लोग के जो कुत्ते होते हैं वो सोना बाबू पता नहीं क्या क्या नाम रखते हैं, तो सोना बाबू को भी कुछ आप लोग धो के अच्छे से रखा कीजिए, ठीक है, और उनसे अगर आप खेलते भी हैं अगर उसके साथ प्ले भी करते हैं तो आके अच्छे से हैंड को वॉश कर लिया कीजिए। ये भी एनिमल्स को भी अवॉइड करने की जरूरत है, ये प्रिकॉशंस में आता है कोरोना के, ठीक है। द थर्ड वन इज़ थ्रूली कुक मीट एंड एग्स। कुछ लोग होते हैं भोकाली में रहते हैं, ठीक है भाई, हम तो जिम करते हैं, हम तो एक्स दबा के खाएंगे, मीट दबाए खाएंगे, कोरोना देख लेगा, हमारा तो सिक्स पैक है, कोरोना होगा ही नहीं। मतलब कोरोना जिस दिन होगा ना, ये जितने भी सिक्स पैक हैं वन पैक होके और सीधा तुम ट्रांसफर हो जाओगे गॉड के पास, ठीक है। तो यहाँ पे फुल भोकाली नहीं मारनी है, यहाँ पे जितने मीट और एग्स हैं उनको अच्छे से कुक करना है, जितना भी टाइम ले लो उसको बॉयल भी कर लो, और उसके बाद अपने आप को सर्व करो और खा लो, ठीक है। कवर योर माउथ एंड नोज व्हाइल कफिंग एंड स्नीजिंग। देखो भाई अगर खांस रहे हो छींक रहे हो, टिश्यू पेपर है तो ठीक है, नहीं तो भाई सब तो इंडिया में अमीर है नहीं, टिश्यू पेपर सबके पास होता नहीं है, तो हैंकर चीफ रखो, हैंकर चीफ भी नहीं है भाई, मैं उनमें से आता हूँ जिसके पास कुछ भी नहीं रहता, तो हाथ का यूज़ करो, एल्बो को ऐसे करो और यहाँ पे छींक लो, ठीक है, किस पार्ट को आप टच नहीं करते हो, ठीक है। और घर पे जाकर शर्ट को बदलो, ये नहीं कि यहीं पे छींक छाक लिए और फिर घर पे गए इसी को पहन के फिर ओ भाई ओ भाई भाईचारा निभा रहे हो। तो ये चीज़ें हैं जो आप लोग को प्रिकॉशंस को मेंटेन करना है अपने आप को बचाने के लिए। और जो कुछ लोग बाबा लोग हैं, नाम नहीं लूँगा, आप लोग तो होशियार ही समझ जाते हैं कि जो गोबर गौमूत्र वो बाबा लोग खुद हॉस्पिटल में आजकल भर्ती हो जा रहे हैं लोग, तो उन सब से बच के रहिए। और जो गार्लिक वालिक की चीज़ें हैं इन सब से भी ये सब नहीं हो सकती, क्योंकि आपको फैक्ट बताता हूँ, एक जिसके बारे में ना सार्स के बारे में बताया, सार्स की वैक्सीन बनने में 20 मंथ्स का टाइम लगा था। तो कोई भी बाबा हो या कोई भी ओझा सोखा दें क्या क्या सब होते हैं उनसे दूर रहिए, वो कोई भी कोरोना वरोना नहीं भगा सकता, कोरोना होगा तो पता चल जाएगा, लेकिन उसकी वैक्सीन बनने में कम से कम आपको 1 ईयर का टाइम लगेगा ही, क्योंकि सार्स की वैक्सीन बनने में भी 20 मंथ्स का टाइम लगा था। तो इसकी कोई दवा नहीं है और इसका कोई निवारण नहीं है, बस प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, सब जानते हैं और सबके यही चीज़ें रखनी चाहिए। और बाबा के चक्कर में तो ना ही पड़े, बहुत से बाबा हो गए हैं, बाबा के चक्कर में पड़ेंगे तो एक दिन बाबा को भी प्राप्त हो जाएंगे। तो यही था प्रिकॉशंस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल।